नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बताने के लिए ताकि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस बीमारी के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इस साल भी 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में जो थीम है वो है नो योर रिस्क नो योर रिस्पॉन्स। इस थीम का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको डायबिटीज़ होने का खतरा है, लेकिन वो खतरे को पहचाने कैसे, कि अपने आप को कैसे जाने कि डायबिटीज़ होने का उनको कितना खतरा है, और अगर खतरे का पता लग जाए तो उसके बाद कैसे उस खतरे को कम किया जा सकता है, तो इसके बारे में इस पूरी थीम को रखा गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो भारत में इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर और या इंडियन डायबिटीज़ रिस्क कैलकुलेटर एक तकनीक है जिससे कि हम अपना डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो जान सकते हैं। यह रिस्क कैलकुलेटर 4 पैरामीटर्स पे काम करता है कि आपकी आयु कितनी है, आपके परिवार में मदर या फादर में किसको शुगर रहा, दूसरा आपका कमर का नाप कितना है और तीसरा आप फिज़िकल एक्टिविटी कितनी करते हैं। तो अगर सिर्फ ये 4 फैक्टर्स हम डालें और शुगर चेक ना भी किया हो आपने तो भी ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपको शुगर होने का खतरा अगले 10 साल में कितना है। तो ये इसके बाद जब हमें खतरे का पता लगता है तो हम क्या करें जिससे कि हम डायबिटीज़ को होने से रोक सकें। तो अगर आपका वज़न अधिक है, अगर आपका कमर का नाप अधिक आ रहा है तो आप अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें, कमर के नाप को कम करने की कोशिश करें। अगर आपका फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो आप धीरे धीरे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें और उसको फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करने से भी डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है। फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको शुगर है तो आपको अपनी शुगर के इलाज के लिए अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए ताकि आप उसका इलाज कर सकें। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क कैसा है? तो बहुत आसान है, आप www.diabetesindia.org.in पे जाइए और इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक पॉपअप फ्लैश होगा और वहाँ पे लिखा होगा कि नो योर रिस्क। तो आप उस नो योर रिस्क के लिंक को फॉलो करके अपना डायबिटीज़ होने का रिस्क जो है वो जान सकते हैं। बाकी आपको ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो इस डिस्क्रिप्शन में भी आप इस लिंक को क्लिक करके अपना डायबिटीज़ होने के खतरे के बारे में जान सकते हैं। ये तो हमने जाना कि डायबिटीज़ होने का खतरा क्या है, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या अभी भारत में स्थिति क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हो सकते हैं, खाने पीने में क्या बदलाव करें और फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में अगर करंट भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो आप ये मानिए कि अभी नया डेटा ये कहता है कि भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं। तो 100 मिलियन से ज़्यादा शुगर के पेशेंट मतलब 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को शुगर की बीमारी है और इतने ही लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनको शुगर है। और अगर हम खाली मोटापे की बात करें तो लगभग 30-35% लोगों को भारत में मोटापा भी है और मोटापा अपने आप में डायबिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ के लक्षण की बात करें तो कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, यूरिन की मात्रा अधिक हो जाना, बार बार यूरिन जाना, रात में कई बार यूरिन के लिए उठना, गला सूखना, पेशाब जल्दी जल्दी जाना जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगना, वजन गिरना, ये सब लक्षण डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है तो आप अपनी शुगर की जाँच जरूर करें, रिस्क कैलकुलेटर से अपने शुगर के रिस्क के बारे में जानें। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डाइट में चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से और नियमित रूप से इलाज लेने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो शुगर है दोस्तों सभी जो डायबिटीज़ के सभी हमारे शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाती है। चाहे हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एक ऑर्गन या पार्ट नहीं है जिसमें शुगर की बीमारी नुकसान ना करती हो। तो अगर हम बैलेंस्ड ईटिंग करें, बैलेंस्ड ईटिंग का मतलब है कि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम रखें, प्रोटीन की मात्रा को अच्छा रखें, फैट की मात्रा को अच्छे फैट की मात्रा को ठीक रखें और प्लस हम बहुत सारा फाइबर, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी, इन सब का सेवन अगर अच्छे से करें तो हम अपनी डाइट में बदलाव करने से भी शुगर के लेवल को कम ला सकते हैं। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी में अभी एक लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम 500 कदम भी अपनी डेली दिनचर्या में और ऐड कर सकते हैं तो ये हमें करीब 4 साल की आयु का एक बेनिफिट और देता है। तो अगर हम नियमित रूप से
सालों से साल अपने जितनी भी हमारी एक्टिविटी है उसमें केवल 500 कदम भी और अगर ऐड करते हैं तो इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत बड़ा है। हमें लगातार बैठे रहने से बचना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर 30 मिनट्स में कम से कम एक बार अपनी बैठी हुई पोजीशन को ब्रेक करें, चाहे कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रोल लिया उठ के खड़े हुए, लेकिन लगातार बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, डायबिटीज़ की होने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा आपके लिए समय निकालना मुश्किल है, तो बहुत सिंपल टेक्निक है कि आप खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट, 10-10 मिनट दिन में 2 से 3 बार जरूर थोड़ा सा स्ट्रोल ले लें, घूम लें, तो इससे भी आपके शुगर के लेवल पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी आपको रिस्क लगता है कि आपके कुछ लक्षण शुगर से मैच करते हैं, रिस्क कैलकुलेटर के हिसाब से डायबिटीज़ होने का रिस्क अधिक दिखाता है, तो आप अपनी शुगर और HbA1c की जाँच जरूर करें। लक्षण बेसिकली क्या क्या है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ डायबिटीज हो सकता है? जैसा मैंने पहले भी बताया, लक्षण में वजन का घटना, बहुत तेज बार बार प्यास लगना, बहुत भूख लगना, आपको हर वक्त कमजोरी या थकान महसूस होना, यूरिन जल्दी जल्दी जाना, गला सूखना, इन्फेक्शन होना, घावों का जल्दी से ठीक नहीं होना, ये सब शुगर के लक्षण हो सकते हैं। पैरामीटर सभी करंट में क्या चल रहा है? बहुत HbA1c कितना होना चाहिए, फास्टिंग और हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर एक हम जांच करते हैं शुगर की, जिसको हम अगर खाली पेट में जांच करते हैं तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर जांच करते हैं तो हम उसको पीपी शुगर बोलते हैं, और अगर रैंडम ऐसे ही किसी भी टाइम पे चेक कर लेते हैं खाने से बिना किसी रिलेशन के, तो उसको हम रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 या उससे अधिक आ रहा है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज 200 से अधिक आ रहा है, या पोस्टप्रेंडल ब्लड ग्लूकोज 200 से अधिक आ रहा है, तो ये डायबिटीज़ के तरफ इशारा करता है और डायबिटीज़ होने की कंफर्मेशन करता है। साथ ही में HbA1c एक वो जांच होती है जो रेड ब्लड सेल के अंदर कितना ग्लूकोज एक्यूमुलेट हुआ है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुका है, तो और ये हमें 8 से 12 हफ्ते का ग्लूकोज का एवरेज भी बताता है। तो अगर आपको शुगर नहीं है या शुगर होने का खतरा नहीं है, तो ये HbA1c की वैल्यू 5.8 से भी कम होती है। अगर ये वैल्यू 5.8 और 6.4 के बीच में है, तो हम बोलते हैं कि ये आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। तो ये वो समय है जहाँ पे आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपने खतरे को कम कर सकते हैं, और अगर HbA1c आपका 6.5 या उससे अधिक आ रहा है, तो ये डायबिटीज़ होने की पुष्टि करता है। बाकी जाए सेंटर फॉर डायबिटीज केयर, तो ये कहाँ स्थित है और यहाँ पे क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? सेंटर फॉर डायबिटीज़ केयर एक डायबिटीज़ के लिए डेडिकेटेड सेंटर है, ये Alpha 1 कमर्शियल बेल्ट में HDFC और एक्सिस बैंक के साथ में स्थित है। यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स को चिकित्सक परामर्श, साथ में खाने पीने के बारे में उचित सलाह, उनके डाइट का असेसमेंट, टेस्टिंग, अगर कोई भी उनको कॉम्प्लिकेशंस है लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, फुट एग्जामिनेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, तो ये सब सुविधाएं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए उपलब्ध है।